अपने पूरे बॉडी के फैट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत तरह के नुस्खे ट्राई कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आज का मेरा ये होम वर्कआउट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज लेकर आएगा और ये चेंज इतना ज्यादा पॉजिटिव होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए थोड़े से टाइमिंग में, थोड़े से स्पेस में, बिना किसी इक्विपमेंट के मेरे साथ स्टार्ट हो जाएं। लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सी ट्रिक बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा काम करने वाली है। और वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि आपने रोज अपना वेट मेजर करना है और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टा पे, जहां भी सोशली आप एक्टिव है वहां वहां आपने अपलोड करना है। इसके पीछे का रीजन ये है, सपोज अगर आपका वेट आज 85 है, 80 है, 90 है, तो डेफिनेटली आपको खुद से ज्यादा आप डीमोटिवेट होंगे कि मैंने कल इतना पोस्ट किया था और आज मैंने वर्कआउट नहीं करा तो मैं नेक्स्ट डे क्या पोस्ट करूंगी, लोग क्या देखेंगे। तो जब ये वाली चीज आपके अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली आप डेली वर्कआउट करने पर मजबूर हो जाएंगे और अपना वेट मेजर करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका वेट भी कम होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतना अच्छा मोटिवेशन आएगा कि आपको डेली वर्कआउट करना है और कुछ सोशल मीडिया पर नया पोस्ट करना है ना, अपना ट्रांसफॉर्मेशन डेली दिखाना है। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है। अगर आपको आलस भी आ रहा है तो भी आप वर्कआउट जरूर करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करेगा, सुबह करें, इशा शाम करें, जब आपके पास टाइम है तब करें, लेकिन डेली करें। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपने हैंड्स को अप करना है, देन डाउन, फिर अदर साइड, देन अदर साइड। इस तरीके से 20 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरीके से अपने हैंड को यहाँ प्लेस करेंगे, देन ऑपोजिट लेग के नी को टच करेंगे लाइक दिस, देन बैक पे आप इस तरीके से टो पर आएंगे, पंजे पर, देन अगेन अप डाउन, कम ऑन करते रहेंगे आप इसको, ठीक है। 20 टाइम्स ईच लेग, 3 सेट, पेट अंदर खींच के रखेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल लेते रहेंगे। Relax, other side. Relax, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है शोल्डर जितना, ताकि आपकी बॉडी को सपोर्ट मिल सके। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपने अपने हैंड्स को अपने हेड के यहाँ पे प्लेस करना है, देन उसके बाद में अपनी लेग को आपने साइड पे लेके जाना है, देन अपने एल्बो से टच करना है लाइक दिस, 20 टाइम्स ईच लेग, 3 सेट्स। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपने हैंड्स को अप लेके जाना है, देन डाउन ले जाते टाइम हम स्क्वाट पोजीशन में आएंगे, देन अगेन अप, देन डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। इसको हम करेंगे 20 टाइम्स और इसके हम करेंगे 3 सेट। आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, देन उसके बाद में आपने साइड बेंड होना है लाइक दिस।
यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइस आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसी कुछ नया देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर कर दें, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप लोगों का लाइक और शेयर ना मुझे अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे देखने वाली जो मेरी फैमिली है वो मुझे बहुत पसंद कर रही है, तो नेक्स्ट कुछ और बेहतर लाया जाए अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। अगर आप भी मेरी फैमिली में अब तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़िए, मेरे को फॉलो करिए, शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें आई ईशा मेहरा। मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली वहाँ भी बढ़ते जाए, ठीक है। मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ।